दोस्तों, अभी हम साउथ बंगाल के लोग साइक्लोन के हवाले हैं। तूफान और बारिश की आवाज़ें काफ़ी ज़्यादा हो रही है। सॉरी फॉर दैट, लेकिन वीडियो तो बनाना है आपके लिए। तो या एंजॉय। कोई टॉपिक नहीं आ रहा दिमाग में, किसी से मिलना नहीं हो पा रहा, घर से बाहर निकलना नहीं हो पा रहा। बनाओ तो बनाओ क्या? एक तो कंटेंट की तंगी, ऊपर से सोसाइटी की गालियां और हवस भरी नजर। झेलते झेलते दिमाग का भूखा हो गया। तो किस जिंदगी इस बेहाल से हाल में मुझे बना दी जिस दयावान व्यक्ति ने, वो है इंस्टाग्राम रील्स। क्यों स्क्रॉल करते करते फाइनली कुछ मिल गया, तो चलो शुरू करते आज का वीडियो। लेट्स गो। लॉकडाउन लग गया है फिर से। बाहर मत जाना बेटा, सीखो बच्चे से कुछ सीखो तुम लोग, हमारे देश का उज्जवल भविष्य। वैसे इंस्टाग्राम पे टहलते टहलते कुछ बहुत ही खास नगीनों से मेरी मुलाकात हो गई, तो आज की वीडियो में उन्हीं के बारे में बात होगी। इंस्टाग्राम वालों, ये क्या बवासीर है? आर यू अ गुड किसर, परफेक्ट कपल, टक फिर भी ठीक था, लेकिन प्रेगनेंसी टेस्ट, सीरियसली प्रेगा न्यूज को फेंक दो फिर। वैसे बहन तो सुंदर है, लेकिन ये उंगली कहाँ पे डालने को बोल रही है? बादलों को। अरे रुक जा बहन, गिर जाएगी। ओ, 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 बाल बाल बची। अब बताओ, पता नहीं क्या अनर्थ हो जाता रील बनाने के चक्कर में। क्या सी जिंदगी जी रहे थे यार, फिर कौन मुंह रखने चमगादड़ खाया। हाँ, मुंह रखने चमगादड़ खाया तभी तो स्कूल नहीं जाना पड़ रहा, डंडे नहीं पड़ रहे। अरे इंटरनेट मिल गया ऑनलाइन पढ़ाई करने को, और इनको देखो इस उम्र में बकचोदी। झुकी झुकी नजर तेरी कमाल। देख रहे हो आजकल के बच्चे। हाँ बेटा, छेड़ना लड़की भी छेड़ लेना, लेकिन पहले ढंग से पैदा तो हो जा। इसका क्या करूं? अरे मेरे भाई, अगर सही उम्र में शादी हो जाती तेरी तो इसके जैसे बेटी हो सकती थी तेरी। थोड़ी तो शर्म कर लो यार। बच्चों से क्या ही उम्मीद रख सकते हैं जब प्रेगनेंसी के टाइम में मम्मी ऐसी हरकत करेंगी। भाभी कोई अच्छी चीज देख लो, कोई अच्छी किताब पढ़ लो। वो नहीं बताओ, अगर गलती से लड़का हो गया और वो भी 90 में रील्स बनाने लग गया तो? चलो अब कुछ वेरी टैलेंटेड स्टैंड अप कॉमेडियंस को सुन लो। मेरी एक साइड की ईयरफोन खराब है, तो मैं एक साइड से गाने सुनती हूँ और एक साइड से ताने। भगवान घर घर जाके सब बच्चों को मार नहीं सकते, इसीलिए उन्होंने माँ बनाई। दिन भर वीडियो जाके झाड़ू निकाल। कैसे हो? आई एम गुड, यू से? यू से अमेला। Will you marry me? No. क्यों? मेरी फैमिली तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करेगी। कौन कौन है तुम्हारी फैमिली में? एक हस्बैंड, चार बच्चे। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। तुम्हें लगता है तुम बहुत स्मार्ट हो। लगता है? मैं तो स्मार्ट हूँ, मैंने तो 14 दिन का कंप्यूटर। स्मार्टनेस कुछ ज्यादा ही झलक रही है आपकी, बहुत ज्यादा बड़बड़ कर रही है। अपने गिरेबान में झांक के देख पहले। ओ दे दे मेरा साथ थाम ले हाँ। निप्पी, वो भी इस उम्र में। क्या होगा इस देश का? देश संकट में है। इस पाप से निकलने के लिए और आत्मा को शुद्ध करने के लिए कुछ मोटिवेशन लेना चाहिए। मन ऐसा रखो कि किसी को बुरा ना लगे, दिल ऐसा रखो कि किसी को दुखी ना करे, स्पर्श ऐसा करो कि किसी को दर्द ना हो, और रिश्तों को ऐसा रखें कि रिश्तों का कभी अंत। चाचा, अपने सड़ा हुआ ज्ञान अपने पास रखो। Are you in love with anybody in your life presently? You, myself. हरकतें ऐसी रहेंगी तो खुद को खुद ही प्यार करता रह जाएगा मेरे भाई, just like me. एक तो सिंगल होने का गम, और ऊपर से लोग ये भी नहीं मानते कि मैं सिंगल हूँ। बिल्कुल दिल की बात मेरे भाई, बिल्कुल दिल की बात। अपनी अच्छाई पर भरोसा रखो, जो तुम्हें खोएगा
वो एक दिन जरूर रोएगा। पहले कोई अपना तो बनाए, फिर छोड़ के जाएगा, फिर रोएगा ना। अरे मेरी सिंगल लाइफ। और ऊपर से ये कपल्स कोई चुम्मी बेच रहा है, कोई इंसान से शेर बन रहा है, और इधर फिर ये दोनों आपस में भाई बहन नहीं लग रहे। सेम फिल्टर, मतलब सेम गोरा रंग, सेम लिपस्टिक, सेम गालों में लाली। कुछ भी बोलो यार, लड़कियां तो यूं ही बदनाम है। असल में तो अपने लौंडे खेल जा रहे हैं। यू डोंट ट्रस्ट मी, देखो फिर। अरे जब तू भड़कती है दिल पे चले गोलियां। यार नाक के अंदर घुसेगा क्या? हाँ पता है सिंगल लाइफ है, दिल मेरा भी मचलता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मुंह के अंदर ही घुस जाएगा सीधा। गजब बेइज्जती है। क्या जाने तू मेरे राज़। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? अब ऐसे भटकते भटकते कुछ पुराने पापी टिकटॉक स्टार्स मिल गए, जो इधर आके भी दीदी बिना मास्क के घूम रही है, लड़के छेड़ रही है, नाच रही है, गा रही है, गिर रही है। दौड़ना चाहता हूँ, गिरना भी चाहता हूँ। भैया बाथरूम के साथ अलग ही प्यार में है। ज्यादातर रील्स या तो बाथरूम से रिलेटेड, नहीं तो बाथरूम के आसपास ही बना देते हैं। भाई साहब ऑफिस के अंदर फॉर्मल्स में ही शुरू हो जा रहे हैं। अरे भैया पैसे तो काम करने के मिलते हैं, ऑफिस को तो बख्श दो प्लीज। बताओ आईफोन दिखाए जा रहे हैं। अरे यार गरीबों के बारे में भी कभी सोचा करो। नेक्स्ट अपने काले दिल भैया, जिनके दिल का तो पता नहीं लेकिन शर्ट या बनियान ब्लैक ही पहनते हैं। सर जी अपने बच्चों बुड्ढों कुत्तों से बकचोदी करे जा रहे हैं। अंकल अभी भी आंटी की तलाश में लिपस्टिक लगाए नाचे जा रहे हैं। गरीबी हमने भी देखी है। नहीं जी। ये भिन्न रहकर प्राणी इधर भी आ पहुंचा है। बस और नहीं देखा जाएगा, मेरे से बहुत हो गया। आंख में अभी सैनिटाइजर डाल के साफ करना पड़ेगा, तो मैं तो चली अभी। ओके लेकिन जाने से पहले कितना चुभने लगा हूं सबको, छुरा तो नहीं हूं जानी, तुम जितना बताते हो मेरे बारे में इतना बुरा तो नहीं हो। इस दुनिया ने मुझको क्या दिया, मैं इसकी उसकी फिक्र क्यों करूं। हाँ ठीक है, अपने बारे में सोच, दांत साफ करके आ। चलो तो आज के लिए इतना ही। लाइक कमेंट शेयर कर देना, यार हर बार बोलना पड़ता है। फेसबुक इंस्टाग्राम ट्विटर पे हमें फॉलो जरूर करना, लिंक्स दे दिया है डिस्क्रिप्शन में, और सब्सक्राइब जरूर करना। कीप लविंग।